हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरे किचन में स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम मशरूम पास्ता बनाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम ये नेस्ले कंपनी का पास्ता लेके आए हैं। आज इसको हम बनाएंगे, बहुत कम समय लगेगा, झटपट बन के तैयार हो जाएगा। आप सफर में जा रहे हैं तो बना के लेते जाइए, बच्चों के लिए, टिफिन के लिए, सुबह का नाश्ता, जिस समय मन करे आप इसको बना सकते हैं। नेस्ले कंपनी का हमने ले रखा है पास्ता। चलिए आज बनाना स्टार्ट करते हैं, झटपट ये बन जाता है। देखिए इसमें 2 कप के अनुसार पानी पड़ेगा। और चलिए इसे हम दिखाते हैं आपको, यहाँ से क्या करना है, पैकेट को फाड़ लेना है। देखिए आप देख सकते हैं इसमें मसाला दिया हुआ है, मसाला अलग से डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपको हम दिखाते हैं, और हमने ये चूल्हे पे पैन रख दिया है, इसमें पानी डाल देंगे। देखिए हमने चूल्हे पे पैन को रख दिया है, अब हम चूल्हे को ऑन कर देते हैं। अब इसमें डालेंगे हम, ये 1 पाव पानी हमने ले लिया है, ये 2 कप के अनुसार पानी है। पानी में उबाल अच्छे से आने लगेगा उसके बाद से हम पास्ता डालेंगे। देखिए पानी तेज गर्म हो गया है। अब इसमें हम जो ये मसाला है पैकेट में अंदर जो दिया हुआ था हमने, देखिए ये मसाला जो है अब इसे हम डाल देते हैं गर्म पानी में। पानी में देखिए उबाल आने लगा है, मसाले को डाल देते हैं। देखिए ये मसाला पानी में सारा हम डाल देंगे। देखिए हमने मसाले डाल दिए सारे, अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं पानी में मसाले को। देखिए अब इसमें जाएगा पास्ता। देखिए हमने ये पास्ता जो ले रखा है नेस्ले कंपनी का, अब इसको डाल देते हैं। देखिए हमने सारा पास्ता डाल दिया, अब इसे अच्छे से उबाल आने तक हम पकाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बहुत झटपट पास्ता बनके तैयार हो जाता है। बस पानी में उबाल आए और आप डाल दीजिए। उबाल आने के बाद पास्ता रेडी। देखिए ऐसे ही चलाते हुए इसे हम, देखिए अब इसे हमें पकने देना है। और हमने ये ले लिया इसका ढक्कन, अब इसे हम लगा देते हैं। उसमें आप चीज भी डाल सकते हैं। देखिए इसे बीच बीच में हम चला देते हैं, छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे पकड़ लेगा तले में, इसलिए पास्ते को हम बीच बीच में चला देंगे ऐसे ही। देखिए हमने इसे चला दिया, फिर से वापस हम इसे ढक दे रहे हैं। देखिए देखिए अब इसे देख लेते हैं, 5 मिनट हो गया इसे पकते हुए। आप देख सकते हैं ये तैयार हो चुका है, पास्ता जो है तैयार हो चुका है। अब इसे हम चलाते हुए थोड़ा सूखा कर लेंगे। देखिए ऐसे ही इसे हम चलाते हुए, देखिए इसे 5 मिनट चलाते हुए हम सूखा कर लेंगे। अब देखिए ये तब पास्ता जो है तैयार हो चुका है, बहुत ही जल्दी झटपट 5 मिनट में पास्ता तैयार हो जाता है। इसमें सारी चीजें पड़ी होती हैं, कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ती अलग से, बस इसे अब हमें थोड़ा सूखा करना है। ऐसे ही चलाते हुए हमें इसे सूखा कर लेना है। देखिए देखिए मशरूम पास्ता तैयार हो गया है। अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं, अब इसको हम प्लेट में निकालते हैं। देखिए मशरूम पास्ता बनके तैयार हो गया है, इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है, पहले से सारी चीजें पड़ी रहती है। हमने ये प्लेट ले रखा है, अब इस प्लेट में निकाल लेते हैं पास्ते को। ये रहा मशरूम पास्ता बनके हो गया है तैयार। चलिए हम आपको पास्ते दिखाते हैं। देखिए पास्ता रेडी हो गया है। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।